हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान झटपट से बनने वाले नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम एक कप गेहूं के आटे से बनाएंगे। कम मेहनत में ये नाश्ता इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है कि इसके सामने आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब भूल जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक कप गेहूं का आटा। कप या कटोरी आप किसी से भी नाप कर ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे आधा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देंगे। और अब ऐड करेंगे एक चम्मच सूखा हुआ पुदीना। आप इसकी जगह कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। तो हाथों से क्रश करके हमें इसमें ऐड कर देना है। और अब हम ऐड करेंगे इसमें दो चम्मच ऑयल। ऑयल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको हमें हाथों से मसलते हुए मिक्स करना है, जिससे पूरे आटे में मोइन अच्छे से लग जाएगा। मिक्स करने के बाद इस तरह से हाथों में इसको बांधकर देखेंगे। अगर ये मुट्ठी में बनने लगा है, इसका मतलब मोइन हमारा एकदम परफेक्ट है। अगर ये एकदम से बिखर रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इस आटे को हमें ना तो बहुत ज़्यादा सख्त रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा नर्म। इस तरह से हम इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हमें इसको रेस्ट करने के लिए रख देना है। तब तक हम अपनी स्टफिंग को बनाकर तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 उबले हुए आलू यूज़ कर रही हूँ। आलू को मैंने हाथों से ही मैश कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं, तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला। इससे नाश्ते में बहुत ही चटपटा टेस्ट आता है और नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और अब ऐड करेंगे नमक। मैं यहाँ पर आधा चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। और अब ऐड करेंगे सूखा पुदीना। आप उसकी जगह बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, पर अगर आपके पास सूखा पुदीने का पाउडर है, तो आप वो ज़रूर ऐड करें। उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है हमारे स्नैक्स में। और अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। चलिए अब चलते हैं आटे की तरफ। इधर हमारा डो भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। लोई हमें पूड़ी के जैसी बनानी है, या फिर नींबू से थोड़ी बड़ी आकार में हम लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसी तरह से हम सारी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारी लोई बनाकर कर ली है तैयार। अब चलिए अब इनको हम बेल लेते हैं। लोई के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर अब हम इसे रोटी की तरह से बेल लेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा मोटा या एकदम पतला नहीं बेलना है। इसको हमें रोटी की तरह ही बेल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस मैंने कुछ इस तरह से रखी है। अब इस रोटी के ऊपर हम 1 से 2 बूंद ऑयल लगाएंगे, और उसके बाद हम इसको पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। और अब डालेंगे हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा। सूखा आटा और ऑयल लगाने से हमारे नाश्ते में लेयर्स बन जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। और अब हम इसको चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि हम चकोर पराठा बनाते हैं ना, उसके लिए हम फोल्ड करते हैं। सेम वैसे ही हमें इसको फोल्ड कर लेना है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, और फिर से हमें इसको बेल लेना है। सूखा आटा लगाने से ये आसानी से बेल जाएगा और चिपकेगा नहीं। अब हमें इसे चकोर बेल लेना है, गोल नहीं बेलना है। फ्रेंड्स, आप भी ऑयल लगाने के बाद सूखा आटा ज़रूर लगाएं, इससे हमारे नाश्ते में परत बन जाती है और हमारा नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा लगता है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग। स्टफिंग को हमें एक साइड में इस तरह से रख देना है, और अब हमें एक कॉर्नर को उठाते हुए दूसरे कॉर्नर से चिपका देना है। कॉर्नर्स को चिपकाने के बाद हम इसको हाथों से हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये फ्राई करते समय चिपकेंगे नहीं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं चिपकाने के लिए। अगर आपको नाश्ते का शेप परफेक्ट नहीं लग रहा है, तो आप इसको चाकू से कट करके परफेक्ट शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको साइड से कट कर लेंगे और एक परफेक्ट शेप दे देंगे। इसी तरह से सारे नाश्ते को बनाकर हम तैयार कर लेंगे।
अब नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल को चढ़ा दिया है फ्राई करने के लिए। मैं यहाँ पर नाश्ते को शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। छोटा सा टुकड़ा आटे का डालकर देखेंगे, आप देख सकते हैं ऑयल में इस तरह से बबल्स बन रहे हैं, मतलब अभी हमारा ऑयल परफेक्ट गर्म है। इसमें हम अपने नाश्ते को डालते जाएंगे, एक एक पीस करके हमें डालना है। जितने एक बार में आ जाएंगे उतने पीस हम इसमें डाल देंगे। नाश्ते को हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। एक साइड से जब ये सीख जाएंगे तब हम इनको पलट कर सेक लेंगे दूसरी साइड से। दोनों तरफ से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। हमें नाश्ते को बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सा कलर इनमें आ गया है और बहुत बढ़िया से ये सिक भी चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे और अपने सारे नाश्ते को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। एक तरफ से नाश्ते को सेकने में 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। हम हमारे नाश्ते को गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये नाश्ता गर्मा गर्म बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बाज़ार में मिलने वाले कचौड़ी पकौड़ी समोसे से बहुत ज़्यादा हेल्दी ये नाश्ता आप घर में रखे सामान से कभी भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नाश्ता बनकर हो गया है बिल्कुल तैयार। आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी चटनी या सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे, इन्जॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।